प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं तब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा, किसके बराबर होगा? देखिए सर, ये तो हमारा डी मॉर्गन लॉ है जिसकी हमने बात करी थी। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है आपका कि भैया, डी मॉर्गन लॉ ये कहता है आपका ठीक है, वो ये कहता है कि भैया अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो मतलब वो बराबर होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये तो कहता है, और ये तो आपका कौन सा कह रहा है, कौन सा ऑप्शन कह रहा है सर? बी ऑप्शन कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि माना ए और बी दो समष्टि समुच्चय हैं। समष्टि का मतलब होता है सर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, जिनमें जो समझ में नहीं आ रहा हो, और सार्वत्रिक समुच्चय या फिर समष्टि समुच्चय बोल देते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट होता है ये कि दो समुच्चय हैं कुछ तरीके से, ए और बी दो यूनिवर्सल सेट के सेट हैं। अब हमसे कह रहा है कि तो ए माइनस बी क्या होगा? देखिए, अगर इस तरीके की बात हो आपसे करें तो आप सबसे पहले बनाएं सर एक वेन डायग्राम। देखिए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, मान लेते हैं वो यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर ये दो हमारे समुच्चय हैं कुछ तरीके से, ए और बी। मान लेते हैं ये हमारा ए है भैया, ये हमारा बी है। अब आपसे कह रहा है कि भैया ए माइनस बी किसके बराबर होगा इनमें से? सबसे पहले तो हम बात करें कि a माइनस बी होता क्या है। भैया a माइनस बी होता है आपका प्योरली a, हमने पहले बात कर ली है इसकी, प्योरली a। प्योरली a मतलब कि भैया ये वाला पार्ट जो होता है आपका ये होगा। इसको और क्या कह सकते हैं, यहाँ से बात करते हैं। देखिए, अब कह रहा है a का इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। अब a का इंटरसेक्शन लेते हैं पहले, किसके साथ? b कॉम्प्लीमेंट। अब b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर? देखिए, b कॉम्प्लीमेंट होगा b को छोड़ के बाकी सब जो एरिया है वो मार्क कर दीजिए यूनिवर्सल सेट तक का। तो देखिए, ये पूरा b है, इसको छोड़ दीजिए, यानी कि ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये बस बी को छोड़ देना यहाँ पर, बस बी को छोड़ देना यहाँ पर। ये पूरा पार्ट जो होगा आपका क्या होगा सर? ये आपका होगा बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट जो ए में और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन हो। तो ए में और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा कॉमन है? प्योरली ए, ये वाला पार्ट तो कॉमन है। और यही सी को उसने बोला है कि भैया ए माइनस बी क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। भाई ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, और कॉमन पार्ट कौन सा है यहाँ पर? ए और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन पार्ट कौन सा? ये तो हुआ, ये वाला तो है, ये तो लकीली पहला ही ऑप्शन से आ गया यहाँ पर। नहीं, बाकी सारे विचार करके देखते हैं हम। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट लेते और बी के साथ इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्या? इसको छोड़ करके बाकी ये सारा पार्ट है ये, तो ये तो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ आता, ठीक है। तो ये तो नहीं होता हमारा आंसर। चलिए, एक बी के साथ आता, ठीक है। ये तो ए इंटरसेक्शन बी, तो भैया बीच वाला पार्ट होता, ये भी नहीं हो सकता, ऐसे ही नोट नजर नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन बच्चों के सवाल समझ में आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जिनको नहीं आए भाई, वीडियो के ऊपर दोबारा देखो, समझो, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना, हम दोबारा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल को शेयर भी कर देना सभी दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, धन्यवाद।